अगर किसी के लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या समस्या है ना, तो याद रखिएगा उसी इंसान के पास उस समस्या का समाधान है। लेकिन एक्चुअल में लोग बहुत पीछे क्यों रह जाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस समाधान को करने के लिए, निपटने के लिए उस समस्या से एक चीज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मेहनत। और वो लोग करना नहीं चाहते हैं। कौन करेगा, क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी सब चक्कर में ना, और वो और फंसते उलझते चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं अब क्या करें, कुछ मत करिए, फेस करिए उस प्रॉब्लम को सारा जिंदगी, और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी फेस करवाइए। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर कर दी जाती है। और अगर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन पूरे एग्जाम के जैसा, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ना, जो है सक्सेस की 98, डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात और बोल दूं, वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाय करते हैं तो आने वाले एक साल तक आपको हर एक एग्जाम का 20-25 सेट दिया जाएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 5 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान राज्य में वापस आने वाले जितने भी प्रवासी हैं, एक्चुअल में देखो ना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है जब प्रवासी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में ना, केंद्र सरकार को तो पूरा बैन लगाना चाहिए यार, प्रवासी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए हमारे मजदूर भाई के लिए, कम से कम। ये एक्चुअल में क्या, कम से कम तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो राज्य में जो भी आने वाले मजदूर है ना, उनको बनाए रखने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वराजगार योजना जो है वो शुरू की है, बताना है। स्वरोजगार, ठीक है, किसने शुरू किया ये? तो उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। अब सुन लो, ये योजना है क्या, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो भी मजदूर अगर अपने राज्य में वापस आते हैं तो उनका पूरा डिटेल जो है ना, डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास उनका इंफॉर्मेशन रहेगा, और उनको कम लोन यानी कम ईएमआई पर, कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन मिल सके ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कौन कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर बात करें कैपिटल तो देहरादून, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंफोसिस, आप सभी को पता है ना, इंडिया की कंपनी है ये इंफोसिस, ने डिजिटल धन प्रबंधन सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो डील साइन किया है? तो इंफोसिस ने जो है वो डील साइन किया है डिजिटल धन प्रबंधन के लिए, किसके साथ, अवलोक कंपनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और याद रखिएगा, इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, तो इंफोसिस के सीईओ कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सलील पारिक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केरल का पहला डीजीपी जो एक महिला बन गई है उनका नाम क्या है? निम्न में से कौन केरल की पहली महिला डीजीपी बनने जा रही है, नाम बताना है। उनका नाम है आपका आर श्रीलेखा, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है ना, यही है वो केरला की फर्स्ट डीजीपी एज अ वुमेन, महिला, ठीक है। और हां, केरला का बारे में अगर बात करूं, केरल के बारे में, तो सभी को पता है केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बोलेंगे भैया पिनारायी विजयन, जो केरला के है वो मुख्यमंत्री है। अगर बात करूं राज्यपाल कौन है, तो AKF आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और राजधानी तो सभी को पता है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का नाम क्या है, आपने हो सके बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। कंपनी का नाम क्या है, कैपजेमिनी। ये जो कंपनी है ना, इसके सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ये चेहरा
किसका है, लेकिन पहले जान लो ये बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे आप बोल सकते हो बीपीओ होता है ना कॉल सेंटर वगैरह, उस टाइप की ये कंपनी है जो सर्विस देती है और इसके बहुत सारे इंप्लॉई हैं। ये कंपनी जो है पूरे 50 देशों में फैली हुई है, 2,70,000 से ज्यादा इसके इंप्लॉई हैं। अगर इंडिया की सिर्फ बात करूं तो सिर्फ इंडिया में ना 1,20,000 इंप्लॉई हैं बस इस कंपनी में, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये वाली, ठीक है। दूसरी बात, इसके इस कंपनी के सीईओ किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है आयमान इज्जत, ऑप्शन नंबर आपका डी। जो फोटो में शख्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वही है आपके आयमान इज्जत, जो कैपजेमिनी कंपनी के सीईओ बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, तो उनका नाम क्या है, रविंदर सिंह ढिल्लो, ऑप्शन नंबर आपका सी। जो चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं यही है आपके रविंदर सिंह ढिल्लन, जिनको एमडी और चेयरमैन बनाया गया है स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं को सक्षम करने के लिए शुरू किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है, तो नाम क्या है उसका, उसका नाम है आपका स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर आपका बी। और आसाम कहां पड़, और डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है, आसाम में पड़ता है, पता होगा ना, आसाम में पड़ता है। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आसाम के राज्यपाल का नाम, आसाम का जो मुख्यमंत्री है और आसाम का राजधानी, ये तीन चीज आपको आसाम के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव टुडे की हुरन सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन है ये, तो इनका नाम है आपका अनीस कपूर, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, नबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितने रुपए करोड़ का क्रेडिट सहायता की राशि मंजूरी दी है, यानी जो नबार्ड है ना वो पश्चिम बंगाल को कितने रुपए की सहायता करेगा, ये आपको बताना है। तो जो नबार्ड है पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए की सहायता करने वाला है। सीएम कौन है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी, राजधानी कलकत्ता। अगर राज्यपाल की बात करें जगदीप धनकर। और एक बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि आपको बताना है कि आसाम के बारे में, वो आप क्वेश्चन आज का हटा देना, मैं आपको बता दे रहा हूं आसाम का राजधानी क्या है, दिसपुर, सभी को पता है। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, सभी को पता है। आसाम का राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, ये भी सभी को पता है। अब आपका आज का पहला प्रश्न जो बन जाता है ना, वो यह बन जाता है कि नबार्ड का चेयरमैन कौन है, सावधान, थोड़ा सा भी केयरफुल, अध्यक्ष बताना है नबार्ड का। अब आप यह मत बोलना हर्ष कुमार भनवाला, वो हट गए, और मैंने आपको अप टू डेट करवा दिया था कि नबार्ड के नए चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम बताना है, और नबार्ड का गठन कब हुआ था, और नबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, ये तीन चीज आपको नबार्ड के बारे में बताना है। तो ये हुआ आज का आपका पहला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने COVID-19 पैंडेमिक यानी महामारी को संबोधित करने के लिए किस देश के लिए 732 मिलियन आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है, यह बहुत बड़ी रकम है इसीलिए क्वेश्चन उतना ही बड़ा हो जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इतने रुपए की सहायता किस देश को देने जा रहा है, तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश का राजधानी तो आप सभी को पता है ना क्या होगा, ढाका, मुद्रा टाका, और वहां की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेख हसीना। अगर वहीं पर बात करें हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर, तो आप क्या बोलेंगे, वहां की अगर हेड की बात करें तो कौन है, क्रिस चालानिया जॉर्जिया, और हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएसए में, और इसका गठन कब हुआ था, 1945 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के लिए
कितने करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। तो जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो छत्तीसगढ़ को जो है 445 करोड़ रुपए की सहायता करेगा जल जीवन मिशन के लिए। अब इस मिशन के अंदर ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है ना घर घर तक पीने वाला पानी मिल सके। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना। अच्छा, भारतीय नौसेना का हेड कौन है? चीफ। तो आप बोलेंगे भैया करमबीर सिंह, पता है ना। भारतीय नौसेना ने किस शहर में पश्चिमी नौसेना कमान में उपकरण, मास्क और कपड़े जैसी चीजों को नष्ट करने के लिए एक यूवी सैनिटेशन वे बना स्थापित किया है। यहां पर नष्ट करने का मतलब यह है ना कि अगर मान लो अगर आपके अगर आप मास्क पहने, कपड़ा पहने, अगर उसमें कुछ भी वायरस लग जाता है तो अगर आप यहां पर जाएंगे तो वायरस वगैरह पूरा क्या होगा, हट जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, यही वो बनाया गया है आपका इंडियन नेवी के द्वारा। कहां पर? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर जाते ही अब आपको सैनिटाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मास्क, एक्चुअल क्या होता है, दो तीन बार अगर मास्क पहन लेते हैं तो उसको सैनिटाइज करना पड़ता है, धोना पड़ता है। लेकिन अगर वो चीज यहां पर रख देंगे ना तो बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगा जो यहां से रे निकलेगा उसके वजह से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, IIFCL यानी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD के रूप में MD किसे बना दिया गया है? प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है IIFCL का, यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का? तो नाम क्या है? PR जयशंकर। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a additional secretary in the Prime Minister office? और उनका नाम क्या है? S. गोपाला कृष्णन। ये एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निवेश के साथ निम्नलिखित में से देश वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत के लिए FDI का शीर्ष स्रोत कौन सा है? यानी 19 और 20 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से भारत में आया है? तो वो कंट्री है आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 5 जून का। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बहुत अच्छा हो, ठीक है। चलिए।